दोस्तों आज है 9 जून वेडनेसडे और मैं जा रहा हूँ कोविड-19 का वैक्सीन लगवाने। ये मेरा पहला डोज है और वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचने में मुझे लग सकता है करीब हाफ एन आवर अकॉर्डिंग टू गूगल। तो मैंने जो टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया है वैक्सीन लगवाने का, वो है 1 से लेकर 2 बजे तक। तो अभी बज रहे हैं 12:30, तो होपफुली मैं 1 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो आइए चलते हैं और फट से वैक्सीन लगवा के आते हैं। Will it pain? वैक्सीन के बाद ये लेफ्ट हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है, तो ये नॉर्मल है। थोड़ा हाथ ये दर्द करना और बुखार आना, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दिया है कि अगर ज़्यादा हाथ दर्द करे या बुखार आए तो ले सकते हैं। अभी 1 घंटा हो गया है वैक्सीन लेके, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ नहीं था और क्यू भी नहीं था। किसी किसी सेंटर में भीड़ रहता है, लेकिन लकीली इस सेंटर में भीड़ नहीं था। और इनका जो प्रोसेस था काफ़ी स्मूथ था, क्योंकि 10 मिनट के अंदर इन्होंने सब काम कर दिया था। वैक्सीनेशन के बाद इन्होंने मुझे एक स्लिप में फीवर का मेडिसिन लिख के दिया था और बोला था कि अगर शाम तक आपको फीवर आ जाता है तो आप ये मेडिसिन ले लीजिएगा। मैंने वैक्सीन लगवाया था करीब 2 बजे करीब मैं घर पहुंच गया था, और अभी बज रहे हैं 10:00। तो अभी तक मुझे फीवर नहीं आया है और फीवरिस फील भी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि किसी किसी को फीवर आ जाए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल फीवर होता है और 1 या 2 दिन में कम्प्लीटली ठीक भी हो जाता है। तो दोस्तों जो भी मैंने अभी बोला है वो सब मेरा आज का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप जाके वैक्सीन लगवा लीजिए, और अगर आपने लगवा लिया है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग में, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।